गाल देवो बजाई सास जोई है लजाई। तब मैं हमारी सास बोलती थी तो हम लोग इसका अर्थ नहीं समझते, बाद में समझे कि मतलब अगर कोई बात घर में होता है ना तो पहले ही रोने लगो हाला कर दो, तो अपने मन सास चुप हो जाए ना बापा बाबू चुप हो जाए ना तो हमारे फसाइए दे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ही स्पेशल ये वीडियो है, थोड़ा रिक्वेस्ट भी है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो हमारी सिस्टर जैसी हैं, तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गिफ्ट दिया जाए, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अभी बज रहा है ना, तो आप 7 बजे तक पूरा कमेंट भर दीजिएगा कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, ताकि हम जाके कुछ भी, अब समझ नहीं आ रहा दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए एक। और दूसरा जो ये है, और ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना कॉमेडी वीडियो है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तो और सब लोग आना शुरू कर दिए हैं और मेरा बैंड बज रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है अभी। और ऐसा क्यों आप लोगों के साथ होता था, या किसी का हो गया एंगेजमेंट या कोई शादी तो उसको कैसा फील होता है आप लोग के लिए, लेकिन अभी इस वक्त हमारा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी कल बाकी ही, अभी कुछ घंटा और है, तो खुशी का बात नहीं है, पता नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा है बस। तो चलिए वीडियो को करते हैं आगे और दिखाते हैं अभी आगे क्या चल रहा है हमारे घर में, धमाकेदार सबका एंट्री भी हो गया, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सासा बहु पे का है तना खिसा बनाया। तो गाइस आप बताइए कैसा लगा ये पूरा वीडियो। और एक मुहावरा मम्मी को याद आया, कौन सा मुहावरा है मम्मी? दादा काटल है घास, नहीं ये नहीं हमरा हंसी आला। अब यू अब काम करो तो हम पर सुन, तू लोग खात का था राम पर अभी बताइए ना यही तो ना, ना। सास बहू वाला बोल रही थी जो, अरे ऐसे ही डायलॉग अभी एक डायलॉग मारी थी, उसका अर्थ हम बता देते हैं। वहाँ देखिएगा इसके इतना अच्छा सा लड्डू सजा दिया। उसका अर्थ ये बता रही थी लगा दिया कि कुछ काम मतलब कुछ भी बोल देने पे अगर कोई रोने लगे, मुहावरा है हम लोग का गांव में कहता था लोग, गाल देवो बजाई सास जोई है लजाई। तब मैं हमारी सास बोलती थी तो हम लोग इसका अर्थ नहीं समझते, बाद में समझे कि मतलब अगर कोई बात घर में होता है ना तो पहले ही रोने लगो हाला कर दो, तो अपने मन सास चुप हो जाए ना बापा बाबू चुप हो जाए ना तो हमारे के फसाइए दे। तो गाइस ये कुछ नहीं है, फनी है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, पहले के जमाना का ही बात है, अब का नहीं है। ये डेकोरेशन हो रहा है, देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है, अपनी छोटी बहू रानी के लिए सब तैयारी कर रहे हैं और ऐसे बना जाएगा। और फिर बाद में क्या बोलता है लोग, बाद में तो बोलेगा लोग आपका फर्ज था कर दी काम खत्म, आपका बेटा मेरा है, अब अपन आप आश्रम में जाइए चल रहे हैं। जब तक बेटा मम्मी का है तब तक बेटा तेरा है, जब बेटा डार्लिंग का है तब बेटा मेरा है, तो ये सब दुनिया का रीत है। और सब लोग क्या कहना चाहेंगे, देखिए बनी है क्या बनाई पूछो क्या कहेंगे, यही नया फैशन आ गया है, लोग माँ को भूल जाता है, अब पत्नी ही हमारी सब कुछ हो जाती है। आज का है कि कब का है,
पुराना हो गया है, नया में भी आ गया है, लेकिन नया में तनिक ज्यादा खुल के आ गया, ज्यादा खुल के आ गया, पुराना लोग छुपा के रखा था। नया में सब कुछ है, वो होना भी चाहिए। माँ बाप के कितना दिन का जिंदगी है, कुछ दिन का जिंदगी है, उसके बाद से तो खत्म है बवाल। क्या करना चाहिए लेकिन सबको मैनेज करके, जरूरी क्या होता है, लड़का को मैनेज करना चाहिए, लड़का को माँ बाप को भी मैनेज करके लेके चलता और वाइफ को भी लेके चलता, दोनों को लेकर चलना चाहिए। ये ना कि केवल वाइफ ही करे, केवल माई बाप को करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। अरे वाह, भाभी आ भी गई, कैसा लग रहा है आपका हाथ का लग गया तो? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखेंगे, वो मार्ट का रहना तो वो किसा लग रहा है। अच्छा बात है, पता निकल रही है, सुंदर लगता है, एकदम ढक मत लो, मैं तो भरिए दिन से, एक ही तो कह दो खड़ा हो बैठ जाता है। तो गाइज अभी सब रेडी हो गया, सब तैयार दिए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब दिखा दो उधर से। और यहाँ सब कुछ रख दिए हैं और अब हम लोग के यहाँ इसी तरह पुजाई होता है, ऐसा ही मनीषा का भी हम किए हैं और हमारी बेटी का भी हुआ था, तो उसके ससुराल से भी सब कुछ आया था, बराछा भी होता है, तो देखा जाए क्या होता है वहाँ। लेकिन हम लोग अपने तरफ से अपने बहू के लिए सब अच्छा से तैयारी कर लिए हैं और धूमधाम से लास्ट शादी है मेरे घर का, खूब मनोरंजन से करेंगे लोग। और सचिन के शादी में हाथी घोड़ा सब बांधे थे हम, हाथी एक था ना जो हाथी ऊँट, पूछो बुआ से का सचिन के शादी में था, हाथी ऊँट घोड़ा सब कुछ, दो रोड लाइट बनाया था, दो तरह का रथ था, इधर देखा रथ बनाया था, घोड़ी वाला जो कि घोड़ी उस पर रहती है। और उसके बाद से फिर हम लोग गाड़ी सजवाए थे ना, बहुत अच्छा से धूमधाम, 1 किलोमीटर दूर ले बारात लगाए थे लोग, दूर हाँ, तुम्हारा शादी में हाथी घोड़ा ऊँट घोड़ी वाला रथ सब कुछ था और बहुत अच्छा होता है। हम लोग के यहाँ शादी बहुत अच्छा से होता है, आप लोग एक एक चीज करके मिलेगा। और चूंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव का भी लोग का हम लोग ख्याल रख के अपना करते हैं मनोरंजन, और थोड़ा उतना ओपन होता नहीं है हम लोग के यहाँ, लेकिन जो भी होगा अच्छे से होगा और आप लोग खूब इंजॉय कीजिए, भरपूर वीडियो में इंजॉय कीजिए आप लोग, और सबका सचिन मनीषा का वीडियो का और पूजा प्राचीत वर्ल्ड का और मेरा भी ब्लॉग मेरा भी चैनल का खूब प्यार दीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आगे लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप बोलना चाहेंगी कैसा लग रहा है सब व्यवस्था? ये इसे ना दबाएगा तब देखिए मम्मी, हम खाते नहीं है तभी सारा साड़ी में लगा रहे। चले मुंह खोल लिए, बता अच्छा मम्मी की टाक। अरे ऐसे काटो क्रॉस। सब जी आपका हाथ कैसा है? देखें देखे तक हुए, अरे ज्यादा ही आपका हो रहे हो गया। और गाइस यहाँ पे जितना भी ये सामान आप लोग देख सकते हैं कि अब लास्ट पड़ाव पे आ गए हम लोग, थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होंगे, तो रवाना होंगे गाड़ी में सब रवाना हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सब का सब सामान पैक हो गया।
चम्मच, कटोरी। हम इन्हीं का बात कर रहे थे और इनका इनके लिए भी आप तो अगर कोई नजर में है तो कमेंट कीजिएगा लोग। ये मेरा भांजा है और बहुत ही ज्यादा मस्त ये मेरा भांजा है और बहुत ही ज्यादा स्वीट बच्चा है। पहले बदमाशी करता था, कुछ बोलो जी, बोलता नहीं है कुछ भी। धमाल मचाया जाएगा वहाँ पे, धमाल मचाया जाएगा आपके साथ और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये आए मेरी ये लकी भी आ गई है टाइम से, कितनी प्यारी लग रही है देखिए। हेलो। लेकिन इतनी सुबोध को छोड़ के आई है ना, किसके नहीं आई है वो सुबोध। सुबोध आप लोगों को लग रहा होगा कोई, तो सुबोध और कोई नहीं है, एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश है जो लकी को बहुत ज्यादा मानता है। आओ लकी, और सबसे फेवरेट बच्चा, हाय बोल दो, अपना नाम बताओ। नाम तो नहीं सब नहीं सर, बोलो बोलो। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट यही हम लोग एंट्रो जब देंगे तो और भी ज्यादा मस्त होने वाला है। और एक बात और बताते हैं, सुबह से लेके मेहनत मम्मी बहुत ज्यादा की है और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा ये पूरा वीडियो और मम्मी का मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।